फॉर फ्री बिजनेस शिफ्ट मैं चाहता हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप इससे कनेक्ट रहें और आपको फ्री टिप्स मिलते रहें मेरे प्रोग्राम्स के, और जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ आना शुरू हो जाए 10-30%, 30-80%। तो कनेक्ट रहिए मेरे पेज से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑब्जेक्शन पे हम बात कर रहे थे। ऑब्जेक्शन, जब भी तुम सेल्स के लिए जाओगे तो ऑब्जेक्शन तो आना आएगा ही आएगा, और अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो समझ जाओ तुमको सेल्स भी मिलने वाला है। जो आदमी तुमसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है, बराबर है, वही आदमी लेगा। तो ऑब्जेक्शन इज द ब्रेकफास्ट इन सेल्स। तो ये तो तुम्हारे को मिल रहा है, वही आदमी लेगा, ठीक है। मांगना मत छोड़ो। सेल्स में जो टॉप पे जो लोग बैठते हैं वो सिर्फ 20% ही पहुंच पाते हैं। अगर 100 लोग हैं इस दुनिया में तो 80% की जो कमाई है वो 20 लोगों में बढ़ती है, टॉप के 20 लोगों में बढ़ती है, और जो 20% बचता है वो 80 लोगों में बढ़ता है। तो हमारा हमेशा टारगेट रहना चाहिए कि हमको उस टॉप 20% में पहुंचना है, बराबर है। टॉप 20 से पहले जो 80% में जो लोग ये टॉप 20 में जो पहुंचते हैं वो लोग कौन लोग होते हैं? सेल्स में कुछ लोग होते हैं जो पहले ऑब्जेक्शन कर देते हैं। 20% की आबादी है इनकी, कितनी परसेंट है? 30% लोग हैं पहले ऑब्जेक्शन में गिवअप कर देते हैं। आपने कॉल किया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, खत्म। सर माल लेकर आए, अभी मेरे को नीचे, ऑलरेडी मैं माल ले रहा हूँ, फट से ऑब्जेक्शन दिया, अपन वापस आ जाते हैं। तो पहले झापड़ में अपन निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। 30% लोग होते हैं पहले ऑब्जेक्शन को झेल नहीं पाते और वो निकल जाते हैं मार्केट से, मार्केट टेरिटरी छोड़कर, ठीक है। कुछ लोग इस पे काम करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं। सर कोई बात नहीं, नहीं है आपके, अभी आपके पास रखा है तो मैं वापस आपके पास विजिट करूंगा और मैं तो आते रहूंगा। और बताइए सर कैसे चल रहा है, बातचीत करते हैं। एक काम करें, नहीं तो आप रख के देखिए, बातचीत कुछ रैपर बिल्ड करते हैं और वो रख देते हैं माल, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेते हैं वो लोग, पहला ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेते हैं वो, लेकिन बोलते हैं कि नहीं अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक काम करो, तुम 2 महीने बाद आना, अभी नहीं, ये माल खत्म हो तो उसके बाद आना। तो सेकंड ऑब्जेक्शन देता है वो, और सेकंड ऑब्जेक्शन में बोलते हैं 2 महीने बाद जाएंगे, अपन निकल जाते हैं। तो 22% जो लोग हैं वो लोग सेकंड ऑब्जेक्शन झेल नहीं पाते। पहले वाले थोड़े अच्छे हैं, मतलब वो थोड़ा तो हैंडल कर पा रहे हैं, थोड़ा रुक पाए। पहले लोग एक ऑब्जेक्शन में निकल रहे थे, ये लोग 2 ऑब्जेक्शन में निकलने लगे। समझ में आ रहा है? दीपाली ने कॉल किया, सामने वालों ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दीपाली ने कॉल रख दिया, पहला ऑब्जेक्शन झेल नहीं पा रही है। लेकिन अब वो सीख सीख के पहला ऑब्जेक्शन झेलने लगी है। अब वो कॉल करती है, सामने वाला बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर वो उसके काउंटर में एक आंसर भेजती है, सर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, फट से फोन रख रहा था वो, सॉरी क्या बोला मैडम आपने, उसकी सटक जाती है, सॉरी क्या बोला सर आपने, बोला आप नॉट इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए मैंने आपको कॉल किया, क्योंकि जितने मेरे सेटिस्फाइड क्लाइंट है उन्होंने पहली बार मेरे को यही बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन मुझसे मिलने के बाद उनकी ओपिनियन चेंज हुई है और वो आज मेरे सेटिस्फाइड लॉयल क्लाइंट है। तो मुझे पूरा यकीन है जब हम कल मिलेंगे तो आप भी मेरी उस लिस्ट में आने वाले हो। तो उसने नॉट इंटरेस्टेड बोला, इसने इतना लंबा भेज दिया। तो पहला ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया उसने, अब वो 22% में आ जाती है, 22% में वापस सेकंड ऑब्जेक्शन भेजता है, ठीक है मैडम आपकी बात सही है लेकिन मैं कल अवेलेबल ही नहीं हूं। क्या बोला उसने? कल अवेलेबल नहीं हूं मैं, और ऑब्जेक्शन दे दिया। तो ये क्या करती है, रख देती है, अच्छा ठीक है सर तो मैं आपको कुछ दिन के बाद कॉल करती हूँ, बराबर है। लेकिन अब इसने और भी काम किया, सेकंड कैटेगरी से थर्ड कैटेगरी में आ गई, अभी आती है 16% की कैटेगरी में आती है, बोलती है सर कोई बात नहीं आप कल नहीं है तो मैं परसों आ जाती हूँ, मैं तो उसी टेरिटरी में हूँ, क्योंकि छोड़ना नहीं है, नाराज होगा तो होने तो अपना क्या जा रहा है, फोन पर तो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बेशरम है, ऋषित ने बोला हमको शर्म तो आती नहीं है, तो मांगना तो छोड़ना नहीं है, क्या कर लेगा अपना, बराबर है कि फोन पे क्या करेगा, झापड़ मारेगा, क्या करेगा, गाली देगा, गाली भी देगा तो कौन सुन रहा है, तेरे और मेरे बीच में कन्वर्सेशन होगा कौन सुन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हंस देगा, कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेने का, समझ में आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन हैंडल करती है, कोई बात नहीं सर आप कल अवेलेबल नहीं हो तो मैं परसों आ जाती हूँ, क्योंकि मैं तो इसी टेरिटरी में हूँ, तो हम लोग परसों मिल लेते हैं, या उसके बाद मिल लेते हैं, मैं पूरा वीक इधर ही हूँ तो मैं परसों आपको मिलती हूँ, तो परसों हम लोग सुबह 11 बजे मिल सकते हैं, शाम में 4 बजे मिल सकते हैं, 2 टाइम दे दिया हमने। अब वो आ गई 16% कैटेगरी में आ गई, और 16% में वो क्या बोलता है, दीपाली मैडम ठीक है परसों आप आओगे, अच्छी बात है आ जाओ, लेकिन आने से पहले एक कॉल कर लेना मेरे को, आने से पहले क्या कर लेना, कॉल कर लेना। ये बोलती है ठीक है अपॉइंटमेंट मिल गया, फोन रख देती है। उसने वापस एक और ऑब्जेक्शन छोड़ दिया हमारे को, अपॉइंटमेंट नहीं दिया, उसने क्या बोला आने से पहले कॉल कर लेना, और ये थर्ड ऑब्जेक्शन में गिवअप कर देती है, 12 पे नहीं पहुंच पाती है। वो परसों जब वो कॉल करेगी तो फोन उठा ही नहीं रहा है, वो फोन पे मिल ही नहीं रहा है, घंटी रिंग 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 हो रही है लेकिन उठा नहीं रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर उसने एक तीर छोड़ दिया, ऑब्जेक्शन छोड़ दिया जो उसको हैंडल नहीं कर पाई वो। अब इसने उस पर काम किया, उसको भी हैंडल किया, उसने क्या बोला सर 12% में आती है ये, सर परसों मैं ऑलरेडी उस टेरिटरी में तो हूँ, तो मैं परसों आपके ऑफिस आ रही हूँ, सुबह हम लोग 11 बजे मिलते हैं, इन केस अगर आपका कोई प्लान चेंज होता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर दो, वरना मैं तो आ ही रही हूँ, सीधा दे दिया इसने ऑर्डर, मैं तो आ ही रही हूँ।
हम लोग मिलते हैं। अगर कुछ आपके तरफ से कुछ है तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं तो उधर ही हूँ, तो मैं तो आ जाऊँगी यहाँ पर। अब ये 12वीं कैटेगरी में आ गई, इसने चार ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया, और ये चार ऑब्जेक्शन जो हैंडल करते हैं ये लोग पहुँचते हैं टॉप 20 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी पहुँचते हैं? और असली क्रीम, जो असली जो पैसा आने वाला है ना, ये इन्हीं 20% को मिलने वाला है। 80% जो पैसा है इस चार 20% लोगों में बटेगा जो चार अलग अलग ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाते हैं। तो तुम देखो, क्लाइंट ने मेरे को ये डायलॉग मारा तो मैंने रिवर्स में क्या डायलॉग मारा? डायलॉग नहीं मारा तो डायलॉग की तैयारी नहीं थी, इसलिए नहीं मारा। अब मुझे बैठ के लिखना है, उसका बढ़िया सा सॉलिड प्रूफ आंसर प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? आंसर नहीं था इसलिए अपन गिर गए, फेल हो गए। आंसर रहता तो अपन फेल नहीं होते थे। ये कलाकारी डेवलप नहीं की, कलाकारी डेवलप कर लेंगे तो अपॉइंटमेंट मिलने लगेगा। 80% में तुम पहुंच जाते, 80% इनकम तुम्हारे को मिलती है, जो मेन इनकम आएगी चार ऑब्जेक्शन की बात आएगी, बराबर है। अब जो टॉप 20% है इसमें भी 4% लोग है, टॉप 20 का 20% 4% लोग है जिनको 20% का जो टॉप इनकम है वो सारा पैसा इनको बढ़ता है, 80% पैसा बढ़ता है, बाकी इसका 20% जो है 16% बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो आदमी तुम्हारे को फिफ्थ ऑब्जेक्शन देगा, 10% जो है वो फिफ्थ ऑब्जेक्शन पे गिव अप करेगा, उसके बाद 6% लोग बचेंगे ऊपर के जो टॉप रहेंगे, वो 4% लोग ही बचेंगे जो 6 ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे। तो एक सेल को क्लोज करने के लिए मुझे मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्शन आने वाले हैं? सिर्फ 6 ऑब्जेक्शन आने वाले हैं, और 6 मैक्सिमम है, जरूरी नहीं 6 आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरे में तुम क्लोज कर लोगे, चौथे में क्लोज करोगे, लेकिन 6 के बाद 7वां तो पक्का नहीं आएगा, ये कंफर्म है। हमारी तैयारी कितने रहना चाहिए? 6 रहना चाहिए, 6 की रहना चाहिए। अगर आप भी अपने बिजनेस को 40-400% ग्रो करना चाहते हैं, जी हाँ 40-400% ग्रो करना चाहते हैं, तो हमारा 1 ईयर प्रोग्राम जिसका नाम है सफल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन कीजिए। 200 से ज्यादा कंपनी ऑलरेडी इस प्रोग्राम को कर चुकी है और उनके बिजनेस में 40-400% ग्रोथ हुआ है। आप भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, तुरंत हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी, आप हमारा 1 डे प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।